कॉमर्स क्लासेस, मैं हूं तबिता। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारे टेबल फॉर्म क्वेश्चन आते हैं उनको करना सीखेंगे, क्योंकि हमसे पूछा तो सिर्फ एक ही चीज़ जाती है और ये क्वेश्चन आते हैं 2 या 3 मार्क्स में। तो किस तरीके से हम इसे अटेम्प्ट करें, किस तरीके से लिखें ताकि टीचर हमें पूरे मार्क्स दे सके, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है होते हैं ये, तो हमें पूरे मार्क्स मिलते तभी है जब हमने अच्छा लिखा होता है, सही तरीके से लिखा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, तो वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। स्टार्ट करती हूँ गाइस। देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिया है CBSE सैम्पल पेपर से लिया है, बेसिकली इसमें कंपेयर एंड एनालाइज करने को बोला है। क्या चीज़? वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशो, ठीक है, वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशो बोला इन्होंने कंपेयर करने को रूरल एंड अर्बन एरिया के बेस पर। ये इन्फॉर्मेशन, ये टेबल हमें गिवन है और इसमें वर्कर पॉपुलेशन रेशो गिवन है, 2017-18 का डेटा गिवन है। मैन एंड वुमेन बता रखे हैं गाइस। टोटल परसेंटेज अगर बात करें तो 52.1% है रूलर की, अर्बन की, ठीक है, जबकि रूलर एंड अर्बन में मैन की। वुमेन की अगर हम बात करें तो 16.5 टोटल है, रूलर मिलाएं और अर्बन मिलाएं तो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने टोटल दे रखा है, यानी कि टोटल कितना, टोटल वुमेन एंड मैन का कितना दे रखा है, 34.7, रूलर एरियाज में है 35, जबकि अर्बन एरियाज में मैन एंड वुमेन का टोटल है 33.9%। तो सबसे पहले तो हमें ये जो टेबल गिवन होती है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप इसे समझो कि किस तरीके से ये गिवन है। इन्होंने हमें टोटल गिवन है, हमें क्या बोला है निकालने को, इन्होंने हमें बोला है वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशो, तो हमें वुमेन को पकड़ना है। वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशो का टोटल हमें गिवन है, रूरल एरिया का भी गिवन है और अर्बन एरिया का भी गिवन है, और इन्होंने उसी पर हमें बोला है कि आपको कंपेयर और एनालाइज करना है डेटा, तो कंपैरिजन भी करेंगे, एनालाइज भी करेंगे। गाइस, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ रखा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गाइस वर्कर पॉपुलेशन रेशो होता क्या है। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होता है, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो भी हमारा डाटा है सारा का सारा परसेंटेज में है, ठीक है। तो आप चाहे तो पहले इस डेफिनेशन को मेंशन कर सकते हो, सो दैट कि आपका आंसर उतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। उसके बाद आप नंबर 1 पॉइंट में मेंशन करोगे कि वुमेन का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। तो वुमेन का टोटल कंट्रीब्यूशन है गाइस 16.5%, ठीक है। सो आप इसे इस तरीके से लिखो कि अकॉर्डिंग टू द डेटा 2017 and 2018 वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द टोटल वर्कफोर्स इज 16.5%। एंड आप इसमें एनालाइज भी कर सकते हो, विच इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू मैन। मैन का अगर आप देखोगे तो 52.1 है, जो कि हमारा वुमेन का कम है। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट, अब आपको कंपेयर करना है रूलर का अर्बन के साथ। तो आप मेंशन करोगे इन रूरल एरियाज 17.5% वुमेन्स आर वर्किंग, वेयर एज इन अर्बन एरियाज ओनली 14.2% आर वर्किंग। ऐसा क्यों है? सो अब आपको इसको एनालाइज करना है। कंपेयर आपने कर लिया, नाउ एनालाइज इट। इन द अर्बन एरियाज लेस वुमेन्स आर वर्क एंड इन द रूरल एरियाज मोर वुमेन्स आर वर्क। बिकॉज ऑफ किस वजह से गाइज, ऐसा क्यों होता है कि गाँव में औरतें ज़्यादा काम करती है एज़ कंपेरेटिव टू अर्बन एरियाज, शहरों के मुताबिक, ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे एक मेन रीज़न है गाइज, पॉवर्टी की। वहाँ पे गरीबी की वजह से हर एक इंसान को काम करना पड़ता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी रूरल वुमेन्स आर कंपेल्ड टू डू वर्क फॉर द अर्निंग, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा और कोई आपके इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने कंपेयर का डेटा भी आपने एक्सप्लेन किया, प्लस उसको एनालाइज करके कंक्लूजन भी दिया है कि ऐसा क्यों है, द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे इसमें। लेकिन अगर आप सिर्फ डेटा लिखकर आ जाओगे, उसके मार्क्स नहीं, मतलब लाइक वो 1 मार्क्स दे देंगे, आधा दे देंगे, बट क्योंकि आपने एनालाइज नहीं किया, वहाँ पे आपका सिर्फ कंपैरिजन है। अगर आप सिर्फ कह दोगे इन रूरल एरियाज इतनी परसेंट है, अर्बन एरियाज में इतनी परसेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन की बात है, एनालाइज की नहीं है। तो एनालाइज में आपको रीज़न क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, वो ज़रूर मेंशन करना होता है। इसी तरीके से गाइस, एक सेकंड क्वेश्चन है जो कि CBSE सैम्पल पेपर में से ही है, जिसमें हम लोगों को बेसिकली, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड आउट करूँ, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है। वेट अ मिनट, क्योंकि मैंने इतना लिखा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन गाइस हमें गिवन है कि इन जो डिफरेंट कंट्रीज दे रखे, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, लेट मी टेक आउट दी, ओके, हाँ,
study the following information and compare the economies of India and Singapore. अब देखो इंडिया की और सिंगापुर की इकोनॉमी को हमें कंपेयर करना है किस बेसिस पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. और यहाँ पर मैं आपके साथ क्वेश्चन की पिक भी शेयर कर दूंगी. तो गाइज यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को एक डाटा गिवन है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP गिवन है, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें अदर भी गिवन है, बहुत सारी और कंट्रीज भी गिवन है. इंडिया है, सिंगापुर है, इसके साथ साथ आपका साउथ कोरिया है, पाकिस्तान है, बहुत सारी है, लेकिन हमें सिर्फ कंपेरिजन इंडिया और सिंगापुर का बोला है और इस बेसिस पर बोला है, इसके अलावा किसी और चीज़ पर नहीं बोला. ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके आया है 3 मार्क्स का, तो अब इसे आप कैसे प्रेजेंट करोगे? आप अदर चीज़ों को तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते, ना ही किसी और कंट्री को इन्वॉल्व कर सकते, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है इंडिया को कंपेयर करना है सिंगापुर के साथ, और किस ग्राउंड पर, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. तो गाइस सबसे पहले इसमें हम लोगों को अगेन इसका मतलब क्या होता है उसकी मीनिंग से स्टार्ट करोगे तो उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन प्रेजेंटेबल और अच्छा बनता है. तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP का मतलब क्या होता है, मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, द प्रोपोर्शन ऑफ GDP इज इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी. यानी कि जो भी हमारी GDP होती है गाइस, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्ट करी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. यानी कि हमारे देश की जितनी GDP है उसका कितना परसेंट हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं. तो यहाँ पर जो हमें डेटा गिवन है कि देखो, फर्स्ट पॉइंट आपने लिख दिया कि इसका मीनिंग क्या होता है. सेकेंड गाइज इसमें पॉइंट आएगा कि इंडिया और सिंगापुर का कंपेरिजन, तो आप उसकी हेडिंग दे सकते हो कंपेरिजन. कंपेरिजन में आप लिखोगे कि इंडिया इन्वेस्टेड 30% ऑफ द GDP इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, वेयर एज द सिंगापुर इन्वेस्टेड 28% ऑफ द GDP इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज. ठीक है, आपने यहाँ पे कंपेयर कर दिया. कंपेरिजन के बाद गाइस थर्ड पॉइंट आएगा, दैट इज द कंक्लूजन एंड एनालाइज करना उसको, तो आप उसे हेडिंग दे सकते हो एनालाइजिंग, ठीक है, एंड कंक्लूजन, जिसमें आपको ये मेंशन करना है कि इन इंडिया 30% ऑफ द GDP इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी लेस एज कम्पेयर टू सिंगापुर, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन गाइस 135 करोड़ है, जबकि सिंगापुर की पॉपुलेशन 60-70 लाख के आसपास ही है, इससे ज़्यादा नहीं है. तो अगर आप कंपेयर करोगे कि वहाँ पर फिर भी इतना अमाउंट खर्च किया जाता है, एंड इंडिया की 135 करोड़ में बहुत कम है 30% खर्च करना, सो इंडिया शुड इम्प्रूव इट्स इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्री. क्योंकि जितने हम लोग जितना अच्छा पैसा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा क्वालिटी लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती जाती है, क्योंकि हमारे पास वाटर फैसिलिटी आती है. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब हर एक बेसिक चीज़ें, रोड, हॉस्पिटल, वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. कम्युनिकेशन फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो जितना ज़्यादा हमारे आसपास हमारे फैसिलिटीज़ होंगी, उतना ज़्यादा हमारी क्वालिटी लाइफ अच्छी होगी. अगर हमें हॉस्पिटल के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो आप सोच सकते हो कि कितने लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी डेथ हो जाती है. वहीं अगर हमारे पास में ही हॉस्पिटल की फैसिलिटी होती है, तो कितने लोगों की जान बच जाती है. तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए. सो इंडिया को अभी और पैसा खर्च करने की ज़रूरत है. हालांकि डेटा ये दिखा रहा है कि 30% इंडिया खर्च करता है, एज़ कम्पेयरटिव टू सिंगापुर 28% है, बट सिंगापुर की एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन अगर हम कंपेयर करें, इंडिया का बहुत कम है, जो कि उसे इम्प्रूव करना चाहिए. तो इस तरीके से गाइज आप 3 मार्क्स में 3 पॉइंट्स मैंशन करो, बट वही नहीं कि फालतू के पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द यू नो मतलब इन्फॉर्मेशन, जैसे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन मेंशन करके, थर्ड आपको हेडिंग देना है कंपैरिजन, सेकंड आपको कंपैरिजन का, एंड द थर्ड इज़ द कंक्लूजन एंड एनालाइज. तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, और टीचर को कोई रीज़न नहीं दोगे मार्क्स काटने का. सो आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर समझ आई हो तो बिना लाइक करें और बिना सब्सक्राइब करें नहीं जाना. और अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट होता है मन में, तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो. ID है तबिता मैसी. थैंक यू.